तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरेंगल 2.0 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों ये इसका अपडेट 8 तारीख को आने वाला है, तो भाई अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक, बीटा वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो भाई मैंने इसको जीरो से स्टार्ट करा है, तो हमारा जीरो नंबर पे है स्पॉन आइलैंड। तो भाई स्पॉन आइलैंड का व्यू ले लो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गुफाएं वगैरह, तो सारा का सारा पूरा का पूरा एरेंगल मैप में हमें देखने को मिलेगा। कई कई लोकेशन पे ये सारे के सारे सामान रखे हुए हैं, टूटा हुआ एरोप्लेन ये वो, तो आपको सब का सब एरेंगल मैप में देखने को मिलेगा। तो भाई एक एक करके हर जगह उतर जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा है मिलिट्री बेस। तो भाई मैं मिलिट्री बेस पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक बार ऊपर से पूरा का पूरा व्यू ले लो। तो जो हमारा सबसे पहला मिलिट्री बेस में चेंजेस ये हुआ है कि भाई टावर के ऊपर उन लोग ने टावर को तोड़ दिया है ऊपर से, ठीक है। तो भाई टावर के पास में जाके देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या किया है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने पतरे का एक नीचे लेयर डाल दिया है, तो ये देख सकते हो आप, और यहाँ पे इस रेलिंग को इन्होंने येलो कलर की कर दी है। भाई ऊपर जाके देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है। तो भाई अब हम आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ पे से आप ले सकते हो पूरा का पूरा व्यू। और भाई यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि इन लोग ने यहाँ से वो बीच वाली रेलिंग को हटा दिया है। तो अब बात की जाए दूसरे चेंजेस के बारे में, तो भाई अब बात करने वाले हम सी बिल्डिंग की। तो भाई सी बिल्डिंग में इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किया है या फिर नहीं किया है, आपको अंदर ऊपर नीचे भाई सब दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं, भाई बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। तो भाई ये बॉक्स तो पता यार, ये तो नॉर्मल सा बॉक्स है, मतलब पहले से ही था, और यहाँ पे इन लोग ने एक ये बल्ब ऐड कर दिया है, ठीक है, लाइट। और भाई ऊपर से एक बार आप देख लो यार क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया। तो भाई आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दूसरे पार्ट की। तो भाई ऊपर से भी हम देख लेते हैं मिलिट्री बेस का क्या सीन है सी बिल्डिंग का। तो भाई वही सीन है। तो अब तीसरा चेंजेस ये है कि भाई सीमेंट्री, तो भाई सीमेंट्री देख लो यार उन्होंने कैसा किया है, ऊपर नीचे थोड़े से बल्ब लगा दिए हैं ऊपर, और भाई बाहर से पीछे से आप देख लो, और यहाँ पे सामने की तरफ जो दो चार सीमेंट्री और थे वहाँ पे उन लोग ने एक गाड़ियाँ ऐड कर दी है, दो तीन गाड़ियाँ ऐड कर दी है टूटी फूटी, जिसका आप कवर वगैरह ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर इन लोग ने ये ऐड कर दिया। तो भाई अब बढ़ते हैं अगले चेंजेस की तरफ। जो चौथा चेंजेस मिलिट्री बेस में ये हुआ है कि भाई यहाँ पे इन लोग ने और सारी एरोप्लेन टूटी फूटी ऐड कर दिया है, और भाई इसके ऊपर काई लगी है, ठीक है, और यहाँ पे एक नई लोकेशन ऐड की है ये वाली। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई एक तोप रखा हुआ है जो कि टूटा फूटा है, भाई इसको आप चला उला नहीं सकते लेकिन कवर ओवर का काम कर जाएगा। तो यहाँ पे यार ये देखने के लिए काफ़ी सही है। तो भाई यहाँ पे इतना सब है, और यहाँ पे सामने की तरफ भाई एक रॉकेट टाइप का ऐड कर दिया है। तो भाई अगले चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं मिलिट्री बेस में, जो कि है पांचवा। तो भाई पांचवा चेंजेस ये है कि यहाँ से कंटेनर वंटेनर हटा दिया है इस गुफा में से, यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स ऐड कर दिया है आपको कवर ओवर लेने के लिए, और यहाँ पे भाई एक गेट लगा है आप देख सकते हो। तो भाई ये गेट वेट तो ओपन होने वैसे रहा, ठीक है। तो भाई अब चलो देख लेते हैं फटाफट से अगली गुफा। तो भाई सील्ड वाली गुफा का लुक कुछ इस प्रकार से है, और भाई सारी की सारी गुफाएं यार समझ जाओ यार वैसी की वैसी है। तो भाई अगले चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा छठवा चेंजेस। तो भाई छठवा चेंजेस ये है कि भाई पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन है जो कि मिलिट्री बेस में, यहाँ पे उन्होंने रोड लाइट लगा दी है दो दो, ठीक है। तो भाई और जगह भी आपको देखने को मिल जाएगी रोड लाइट। तो भाई इसके अंदर देख लेते हैं भाई पुलिस स्टेशन में इन्होंने कुछ चेंजेस करा है या फिर नहीं। तो भाई यहाँ पर इन्होंने रेलिंग वेलिंग लगा दिए, और बाकी तो पुलिस स्टेशन वैसा का वैसा ही है, और ऊपर जो बॉक्स वगैरह थे उन्होंने बॉक्स को हटा दिया है और नॉर्मल कर दिया है। तो भाई सातवां चेंजेस ये है कि भाई ये जो पुलिस स्टेशन के बाजू में है, भाई ये क्या है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन देख लो आप यहाँ पे इन्होंने भाई इस जो भी जनरेटर जैसी मशीन थी इसको ऊपर कर दिया हवे में, और बाकी सब यहाँ पे मैं ढूंढा विंडा इन्होंने रैक को इधर से उधर कर दिया है, इतना कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, बस बाकी सब सेम है इसके अंदर। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे आठवें चेंजेस के बारे में। तो भाई यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करा है इन लोगों ने, देख लो भाई थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर दिया है दीवार का, थोड़ा आइकन वाइकन चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं अगले चेंजेस की तरफ, जो कि है नौवा, भाई ऑफिस, ठीक है। तो भाई ऑफिस में यहाँ पे दो टेबल रखे हुए हैं, और सामने की तरफ भाई यहाँ पे एक फ्रेम रम कर दिया इन लोगों ने, फ्रेम रम ज़्यादा लगाया इन लोगों ने, और यहाँ पे आप जब ये रैक पे चढ़ के कैंपिंग करते थे इसको इन्होंने पैक कर दिया है, तो यहाँ वाले रैक को भी पैक कर दिया है, सब रैक को इन्होंने पैक कर दिया है दो दो बॉक्स लगा के। अब बात कर लेते हैं भाई बाहर से कैसा दिख रहा है ऑफिस, ठीक है, और ये कंटेनर ओपन ओपन था, और यहाँ पे भाई ये टेबल, ठीक है, ये टेबल के पास हम जंप और पंच अभी भी अगर दबाते हैं 2.0 में तो भाई आ जाते हैं ऑफिस के ऊपर। तो भाई ये ग्लिच अभी भी वर्क करता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, भाई दूसरी लोकेशन है हमारी हॉस्पिटल। तो भाई हॉस्पिटल में क्या क्या चेंजेस हुए, तो भाई पहला ये है कि भाई हॉस्पिटल का टाइटल लग गया है कि भाई ये हॉस्पिटल है फाइनली।
तो भाई अब दूसरा चेंजेस ये है कि भाई यहाँ पे आप सीढ़ियों के नीचे कैंप नहीं कर सकते, इन्होंने इसे बॉक्स से पैक कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। भाई तीसरा यहाँ पे ये है कि भाई मैं पूरा का पूरा ये पूरा छान मार दिया भाई, सबका सब सेम है और कुछ इन लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस यहाँ पे ये रेलिंग तोड़ दी है। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे प्रिज्मॉक की। तो भाई यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो भाई एक व्यू ले लो प्रिज्मॉक का। तो भाई जो पहला चेंजेस है, तो भाई यहाँ पे कॉफी शॉप, ठीक है, इसका कुछ टाइटल वाइटल दिया नहीं उन लोगों ने, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे चेंजेस के बारे में। तो भाई यहाँ पे है बान हाउस, ठीक है, बान हाउस के ऊपर उन्होंने चिमनियाँ ऐड कर दी है जो कि हवा हवा पास हो अंदर से। तो भाई अंदर जाके देख लेते हैं यार ये कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स था, यहाँ पे दो बॉक्स उन लोगों ने ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हो बॉक्सेस को कुछ हटा दिया है और सामने की तरफ एक बुलेट प्रूफ बल्ब है जो कि फूटेगा नहीं और यहाँ पे बॉक्स वगैरह है। तो भाई तीसरी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रिज्मॉक में वेयर हाउस। तो भाई वेयर हाउस आप देख सकते हो इन्होंने कुछ इस प्रकार का वेयर हाउस कर दिया है, अंदर बाहर से आप देख सकते हो। तो मैं इसको आपको बगल वगल सब जगह से दिखा देता हूँ ये कैसा है। तो भाई इसको बगल से आप देख लो, यहाँ पे एक गेट ऐड किया है। भाई अब बात कर लेते हैं जॉर्जो पुल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो भाई एक बार ऊपर से व्यू ले लो इसका। तो जो फर्स्ट चेंजेस हुआ है जो है वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस में आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में एक एक सीढ़ी लगा दी है इन लोगों ने एक्स्ट्रा। और भाई सामने देख सकते हो भाई पूरा लाइब्रेरी वाला सीन, ठीक है, और आप अंदर से एक बार देख लो यार ये कैसा है। तो भाई अब बात कर लेते हैं जॉर्जो पुल में दूसरा चेंजेस क्या हुआ है। तो भाई ये जो कंटेनर को एडजस्ट करती है ये मशीन है ना, तो भाई यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे पहिए थे, तो उन्होंने पहिए को हटा के डायरेक्टली इसको पूरा सील्ड वाला बना दिया है। और यहाँ पे ये रेलिंग आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, और ऊपर की तरफ ये जो गैप था जिसको आप जंप करके नीचे चले जाते थे, तो इन्होंने गैप को कम कर दिया है, आप नहीं जा सकते अब। तो भाई अब तीसरा चेंजेस ये है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, आप थोड़ा देख सकते हो कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। और जो यहाँ पे हमारा एक लकड़ी का टावर था, तो भाई जिस पे पेंट नहीं मारा रहता था उन्होंने यहाँ पर उसको ब्लू पेंट कर दिया है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक पतरे वतरे ऐड कर दिए। तो भाई अब बात कर लेते हैं जर्की की। तो भाई जर्की का एक बार ऊपर से व्यू ले लो आप लोग भाई ऊपर से कैसा दिखने में है। तो भाई जो फर्स्ट चेंज है यहाँ पे, इन्होंने एक एक्स्ट्रा ये टावर ऐड कर दिया है जो कि भाई ओपन तो होता नहीं है, मैं पास जाके ओपन करने की कोशिश किया नहीं हुआ ये, और आगे पीछे से आप देख लो और ये टावर कुछ दिखने में इस प्रकार का है। तो भाई यहाँ पे मेरे को दूसरी बात ये नोटिस करने मिली कि भाई जर्की में जो सारे के सारे फूल थे उन्होंने हटा दिया है और उन्होंने सारे के सारे फूल चेयर पार्क में लगा दिए हैं। तो भाई चेयर पार्क 2.0 एरेंगल का देखना है आपको उसका वीडियो, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई जर्की में मैंने एक वेयर हाउस के पास एक ग्लिच बताया था, तो भाई यहाँ पे वो ग्लिच था कि आप प्रोन होके एफपीवी करते थे अंदर का सारा व्यू ले लेते थे, तो उन्होंने यार यहाँ से सारा का सारा वो सब भी हटा दिया है आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे नोवो की। भाई नोवो में क्या चेंजेस हुआ है, तो भाई एक बार नोवो का पूरा ऊपर से व्यू ले लो आप लोग। तो भाई यहाँ पे जो फर्स्ट चेंजेस ये है कि भाई कंटेनर वाला तो मैंने आपको बताया है। भाई सेकेंड चेंजेस कि यहाँ पे जो झोपड़ियाँ थी तो भाई उन्होंने उसको कुछ इस प्रकार का कर दिया है, वहाँ पे बॉक्स वॉक्स ऐड कर दिया है। और जो तीसरा ये है कि वेयर हाउस, भाई वेयर हाउस के बारे में मैंने आपको बताया है तो आपने देख ही लिया होगा। तो भाई जो चौथा चेंजेस ये है कि भाई यहाँ पे जो तीन घर थे छोटे छोटे, तो भाई यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया है उसके अंदर एक दरवाजा जिसका आप कवर ओवर का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई अब बात कर लेते हैं स्कूल और स्कूल अपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए। तो भाई एक बार ऊपर से व्यू ले लो स्कूल और स्कूल अपार्टमेंट का आप लोग। और भाई जो फर्स्ट चेंज हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल के सामने भाई कुछ इस प्रकार से गेट लगा दिया गया है एंट्रेंस पे। तो यहाँ पे अब सेकेंड चेंजेस ये है कि आप सीढ़ियों के नीचे कैंप वगैरह नहीं कर सकते, इन्होंने बॉक्स को लगा दिया यहाँ पे जिससे आप नहीं जा सकते वहाँ पे। अब भाई तीसरा चेंजेस ये है कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे बेंच लगा दिए गए, बाकी सब ऊपर ऊपर सब वैसा का वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। तो भाई अब अगले चेंजेस की तरफ बढ़ते जो कि चौथा है, यहाँ पे उन्होंने स्विमिंग पूल को थोड़ा सा गहरा कर दिया, जो स्कूल के पास वाला स्विमिंग था उसको थोड़ा सा गहरा कर दिया है। भाई जो पांचवा चेंजेस ये है कि भाई यहाँ पे आप जब स्कूल की दीवारों पर कूदते थे तो उसे पार नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने यहाँ पे कहीं कहीं पे इस रेलिंग को हटा दिया है, ऊपर वाले जो लकड़ी का शेड लगा है उसको हटा दिया है, जिसकी मदद से आप इधर से उधर उधर से इधर आ सकते हो। तो भाई जो छठवा चेंजेस यहाँ पे ये है कि भाई जो स्कूल अपार्टमेंट के सामने इन्होंने एक शैग ऐड कर दिया है, ये वाला जो शैग है ना ये एक्स्ट्रा शैग है। तो भाई यहाँ पे इसके अंदर इन लोगों ने दो रैक ऐड कर दिए हैं, देख सकते हो आप लोग ये कुछ इस प्रकार से। अब हमारा जो सातवां चेंजेस ये है कि भाई जो ऊंची वाली अपार्टमेंट है ना यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे आप कैंप नहीं कर सकते, प्रोन वोन होके भी आप नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने बॉक्स को ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो भाई जो हमारा आठवां चेंजेस ये है
उसी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे भाई आप ग्लिच की मदद से एक टेबल रखा था, यहाँ पे आप पंच जंप दबाते थे, आप एक फ्लोर नीचे चले जाते थे। तो भाई सिंपल सा इन लोगों ने टेबल को ही हटा दिया यहाँ से। अब भाई नवा चेंजेस बात कर लेते हैं स्कूल अपार्टमेंट में। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपने एक नोटिस किया होगा पेड़, यहाँ पे पेड़ था, आप पेड़ के ऊपर आप चले जाते थे और कैंप वैंप कर देते थे, तो वो पेड़ हटा दिया यहाँ से। और भाई यहाँ पे एक और पेड़ है, मैं इस पेड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, भाई पेड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो भाई अब चेंजेस वाले नंबर में आठवां नंबर है पोचिंकी का। तो भाई पोचिंकी का ऊपर से एक व्यू ले लो आप लोग। तो भाई हम लोग एक एक करके सब कवर करने वाले हैं। तो भाई जो एक नंबर पे है वो चर्च, भाई चर्च को देख लो यार अंदर से कैसा है। तो भाई अब लग रहा है कि ये चर्च है, तो भाई पहले से तो बेहतरीन कर दिया है इसको। तो भाई ऊपर से भी देख लो आप, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है और यहाँ पे आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वो रेलिंग वेलिंग लगा दी है खिड़कियों पे। और सेकंड नंबर पे पोचिंकी में ये है कि भाई आप फाइट वाइट लेते रहते थे, कभी कभी होता ये था कि आप इस नाले के अंदर गिर जाते थे। तो भाई इस नाले को कर दिया है इन लोग ने पूरा का पूरा ओपन, आप इस नाले में से इधर से उधर और इधर से उधर जा सकते हो। तो भाई यहाँ पे अब बहुत ही कैंपिंग होने वाली है, लेकिन अच्छा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं पोचिंकी में जो तीसरा चेंजेस हुआ है वो। तो भाई यहाँ पे आपको ट्रिपल स्टोरी देखने को मिलती है। तो भाई ट्रिपल स्टोरी में देख लेते हैं भाई क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या नहीं। तो भाई ट्रिपल स्टोरी में अंदर आ चुके हैं हम। तो भाई यहाँ पर कुछ भी चेंजेस इतना वगैरह नहीं हुआ है, रेलिंग लगा दी गई है, सीढ़ियों पर रेलिंग लगा दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे पत्थर के शेड लगाए हैं, अगर आप नॉक वॉक होते हो तो भाई आपको कवर मिलेगा। और भाई ऊपर चलते हैं देख लेते हैं क्या है। तो भाई ऊपर यहाँ पे सीढ़ियों पे रेलिंग लग गई है, आपको तो मैं बता ही रहा हूँ तब से। तो भाई यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, एक व्यू ले लो आप कैसा है ये। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो एक इन लोग ने खिड़की ऐड की है एक्स्ट्रा, तो आप वो देख सकते हो, वो खिड़की कुछ इस प्रकार से दिखने में। तो भाई इस खिड़की का बस एक ही फायदा ये है कि अगर भाई आप यहाँ से आप डायरेक्टली जंप लगाते थे तो आप नहीं चढ़ पाते थे, तो अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो खिड़की पे आओ, खिड़की पे से इस पे, बस इतना ही काम है इसका। तो भाई अब बात कर लेते हैं जो चौथा चेंज हुआ ये है कि भाई गैरेज देख लो आप। तो भाई गैरेज में इतना कुछ है नहीं, बस वैसा का वैसा ही ये गैरेज है। तो भाई जो पाँचवा ये है कि भाई स्क्वाड हाउस, ठीक है। तो भाई स्क्वाड हाउस एक बार देख लो यार ये कैसा है। तो भाई फटाफट से मैं दिखा दे रहा हूँ, लाइट वाइट ऐड कर दिया है यहाँ पर और यहाँ पे बॉक्सेस वॉक्सेस आप देख लो यार अपने हिसाब से क्या कैसे। तो भाई रेलिंग पे ऊपर ध्यान दो आप, रेलिंग हर जगह ऐड कर। तो भाई अब हमारा जो छठवें नंबर पे वो है कि मैजिक हाउस। तो भाई मैजिक हाउस के अंदर आप देख लो यहाँ पे फ्रीज व्रिज का लोकेशन वोकेशन चेंज कर दिया है यहाँ से, और बाकी सब ऊपर नीचे जाने वीने के लिए सब सेम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम व्रेम लगा दिया है यहाँ पर और एक पतरे का शेड डाल दिया है, अगर आप नॉक होते हो तो कवर मिलेगा आपको। और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो आसानी से, ऊपर जाके आप फायर वायर दे सकते हो। तो भाई अगले चेंजेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हुआ ये है कि ओपन वाला एरिया, मतलब जो पोचिंकी के पीछे जो ओपन वाला एरिया था, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ इस प्रकार से ऐड कर दिया है, जो कि तोप वोप है और जो भी आपको लॉबी में आपने देखा था जो कि स्पॉन आइलैंड पे, वही सब है। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे नौवे लोकेशन की, तो जो है कि भाई ब्रिज। तो भाई ब्रिज एक बार देख लो ऊपर से आप लोग कैसा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बग्गी लेके ब्रिज का पूरा एक व्यू दे देता हूँ आपको, भाई ब्रिज कैसा है दिखने में। तो भाई इन लोग ने बीच बीच में जालियाँ वालियाँ ऐड कर दिया, तो मैं आपको एक एक करके सब दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो भाई सबसे पहली बात एक नोटिस कर लो, हाँ यहाँ पे आप जंप करोगे ना कंटेनर की आवाज़, ठीक है, और रोड पे जंप करोगे अलग आवाज़। तो भाई एक बात आप ध्यान में रख लेना, ब्रिज पे अगर कोई जंप वंप करेगा तो आपको कंटेनर की आवाज़ सुनाई देगी। तो भाई दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे आपको जालियाँ वालियाँ दिखेगी, जो कि पानी वानी अगर ब्रिज पे आ जाए तो वो जालियों से नीचे जाएगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। तो भाई जो तीसरा ये है कि भाई यहाँ पे आप हमेशा की तरह पहले की तरह ब्रिज पे चढ़ सकते हो आसानी से, कैंप वम्प कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने इसको कुछ भी बैन वन नहीं किया है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। और भाई यहाँ पे चौथा चेंजेस ये है कि भाई जो लेफ्ट में, ठीक है, जो ब्रिज के लेफ्ट में ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इन लोगों ने जर्की की तरह एक टावर ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, यहाँ पे ओपन ओपन नहीं होगा, आपको मैंने दिखाया है इसको भी। तो भाई जो पाँचवा चेंजेस यहाँ पे ये है कि भाई पेट्रोल पम्प, तो भाई ये पेट्रोल पम्प के पास इन लोगों ने कुछ वैन वैन ऐड कर दिया है। पहले पेट्रोल पम्प ओपन था तो आपको कवर ओवर नहीं मिलता था, तो अब कवर ओवर इस गाड़ियों की मदद से आपको मिलेगा। भाई यहाँ पे रिसेप्शन राइट में था, अब लेफ्ट में कर दिया है, बस और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया इन लोगों ने, बस इतना ही है। तो भाई जो अगला चेंजेस, जो छठवां चेंजेस है ब्रिज के बाजू वजू में, तो भाई ब्रिज के पास जो नीचे पिलर है वो पिलर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, देख लो आप। तो भाई यहाँ पर हमारा सातवां चेंजेस ये है कि भाई ये ट्रॉली वाला ट्रक, तो भाई ट्रॉली के अंदर इन लोगों ने एक बॉक्स ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। और भाई इस ट्रक के पास आप जब पंच जंप मारते थे तो फिर भाई नीचे आप चले जाते, तो यहाँ से उस ग्लिच को इन लोगों ने हटा दिया है।
तो भाई अब भाई नेक्स्ट चेंज की बात कर लेते हैं, जो कि आठवां चेंज है वो है कि भाई इस घर के बाजू वाला मतलब राइट साइड वाला घर ब्रिज के, तो उन लोगों ने यहाँ पे ये सब कर दिया है, थोड़ा सा लगा दिया है कि आप गाड़ी वाड़ी पीछे से ही ला सकते हो, आगे से नहीं ला सकते हो, और रेलिंग हर जगह तो ऐड ही कर दी है उन्होंने, बस इतना ही है। बात कर लेते हैं हमारा जॉर्जो सिटी, ठीक है, जॉर्जो सिटी को अब कवर कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई जॉर्जो सिटी में इतना मैं फटाफट से आपको दिखाने वाला हूँ, तो भाई हमारे पास भग्गी है, तो भाई यहाँ पे जो जॉर्जो सिटी के बगल में तीन वेयर हाउस थे वो वही वाले जॉर्जो वाले ही वेयर हाउस थे, तो मैंने आपको अंदर से इसको भी दिखा दिया है। तो सेकेंड ये है कि भाई यहाँ पे तो यहाँ पे ये मैजिक हाउस इन लोग ने ब्लू कलर का कर दिया है जो कि बीच वाला था, और यहाँ पे जो छः के छः मैजिक हाउस थे वो वैसे के वैसे ही है, और सामने की तरफ पेट्रोल पंप वही है। और भाई ब्रिज, तो भाई ब्रिज का मैंने आपको बताया है, अगर आप इस पे जंप वंप करोगे तो भाई कंटेनर का आवाज़ आएगा, और बाकी सब वही है। और भाई तीसरी बात अब देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड चेंज, तो भाई अगर मैं यहाँ पे आपको सब का सब चेंज बताने लगा ना तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो भाई ये वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने एरेंगल 2.0 के ऊपर एक और पार्ट बना दिया है। तो भाई यहाँ पे आपको एक इस बॉक्स में एक वीडियो शो हो रहा होगा, तो भाई अगर आप उस पर क्लिक करते हो, सेकेंड पार्ट पे आप क्लिक करते हो, तो इसी पार्ट का अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मैंने और चीज़ों को कवर किया है। तो भाई अगर अभी तक आपने सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो भाई सेकेंड पार्ट पे क्लिक करके आप जा सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है सेकेंड पार्ट की, आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।